का पर्चा दिखाते हैं जनाब, सबूत खुद ही जरा मीडिया चेक करो। सुनो, मीडिया तो दलाल है, मीडिया तो दलाल मीडिया है। सोशल मीडिया पे देख लो कैसे आप उसके ऊपर, मीडिया तो दलाल मीडिया तो कुछ बोलेगी नहीं भाई। बाबा ने अच्छा सुनिए सुनिए, अरे 20 गुरु भारत तो रहने दो, 20 गुरु भारत तो वैसे भी हमारा भारत है ही। अच्छा। अभी बोलने से नहीं होता। 2014 सुनिए, 2014 आने के बाद ही तो राम जी आए हैं, उससे पहले राम जी तो थे ही नहीं, उससे पहले राम जी तो थे ही नहीं। सुनिए, बागेश्वर बाबा के तो ड्राइवर मनोज तिवारी बन गए, आपको पता नहीं है क्या? मनोज तिवारी जी बागेश्वर धाम वाले बाबा के, अरे पहुंचेंगे भैया, पहुंचेंगे। रिंकिया के पापा बेबी बियर पी के नाचे छम, वो तो भाई ड्राइवर भी बन गए, अभी तो ड्राइवर भी बन गए, आपको पता नहीं है? आप शास्त्री पे सवाल उठा रही हैं, हिंदू राष्ट्र ला रहे हैं वो। अरे हिंदू राष्ट्र लाए तो सही, उन्होंने बोल दिया कि बिहार के अंदर से शुरुआत हो, बिहार के अंदर ही उनके लाले पड़ रहे, बिहार के अंदर ही पोस्टर फट रहे, आपको दिखाई नहीं दिया जा रहा? मैडम 10 लाख से ऊपर पब्लिक थी, 10 लाख से ऊपर पब्लिक थी, 10 लाख से ऊपर पब्लिक, उनसे ऊपर विरोध भी कर रहे हैं, पैसा ले लेके दिखाते हैं जनाब, सबूत खुद ही जरा मीडिया चेक करो। क्योंकि सुनो, मीडिया तो दलाल है, मीडिया तो दलाल मीडिया है। सोशल मीडिया पे देख लो कैसे आप उसके ऊपर, मीडिया तो दलाल मीडिया तो कुछ बोलेगी नहीं भाई। बाबा ने अच्छा सुनिए सुनिए, कहा भैया मेरे पास पैसा नहीं है, सुनिए, अरे अर्जी लगाने से पहले पैसा चाहिए, नहीं चाहिए भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपको पता होना चाहिए बागेश्वर धाम में एक भी दान पेटी नहीं है। अच्छा जी, जी बिल्कुल, इसीलिए मैडम बागेश्वर धाम से बाबा से अर्जी लगाने के लिए आपको 5,000 से 10,000 का पर्ची कटवाना पड़ता है। बताइए कहाँ पे किस, मेरे पास वीडियो है, दिखाओ, मैं आपको वीडियो दिखाओ, मैं पूरा दिन यही देखती हूँ और बागेश्वर जी का देखती हूँ, समझ में आया ना? दिखाती हूँ, मैं वीडियो दिखाती हूँ आपको, बागेश्वर धाम चमत्कारी बाबा पे। नहीं नहीं नहीं, चमत्कारी बाबा आप पे कितना चमत्कार किया, आप पे कितना चमत्कार किया मैडम? हमने तो अर्जी अभी लगाया ही तो, आप पे कितना चमत्कार किया चमत्कारी बाबा, आप पे कितना चमत्कार, नहीं आप पे चमत्कार कितना किया मेरे मीडिया बंधु पे, सुनिए आपके आपके ऊपर कितना चमत्कार हुआ और हमारे मीडिया बंधु के ऊपर कितना चमत्कार, पहले आप बताइए आप पे कितना बाबा का चमत्कार हुआ? अभी अर्जी नहीं लगाया भाई, हम अर्जी क्यों लगाए? आप अर्जी लगाइए, आप तो मीडिया से हो, आपको पहले टेस्ट ले लेना चाहिए, फिर सवाल करना चाहिए। टेस्ट लिया है बड़े बड़े चैनलों, आपको पता है बड़े चैनल नहीं नहीं छूके आए हैं। अरे मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ रूबी का लिया का जी बाबा धाम बाबा ये बागेश्वर धाम का क्या था, टेस्ट लेने गई थी बागेश्वर धाम ने, उनको कैसा सवाल का जवाब दिया था पता नहीं आपको, उनका कैसे बेइज्जती करा, बोलती बंद कर दी रूबी का लिया की, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रूबी का लिया का बाबा ने बोलती बंद कर, अरे बाबा बोलती बंद नहीं करेंगे, बाबा पे जो चल रहा है उनके संसार, रूबी का लिया का संसार तो बाबा पे चल रहा है, मोदी जी पे चल रहा है, तो कैसे बोलती नहीं बंद करेंगे हम, जैसे की बोलती बंद कराए। अगर बाबा बागेश्वर ईमानदार है, सुनिए आपका पर्चा निकालेंगे, सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, एक मिनट, अगर बाबा बागेश्वर सच्चाई है तो इस बैंड को इंसाफ दिला देना। क्यों नहीं दिला रहे बाबा बागेश्वर? अगर सच्चाई है तो इस बैंड को इंसाफ दिला दिए, बिन पे ये बैन हमारी पड़ी है, इस बैंड को इंसाफ दिलाइए। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ, सुनिए, आज ये आग लगी हुई है देश।
के अंदर, एक मिनट सुनिए 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 सुनिए, जो भारत के अंदर जो आग लगी हुई आज, ये सिर्फ ये देन है जो मीडिया की है। अगर लोकतंत्र का चौथा हिस्सा ईमानदारी से काम दिखा दे तो ये बैंड कभी इंसाफ लेने के लिए यहाँ पर ना बैठे। इसको इंसाफ कब का मिल जा चुका होता। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ बनते हैं कि सच्चाई खबर दिखाइए। रिपिकल या कर जैसी को ना इसके अंदर आने दीजिए। पूछे बाबा से तकलीफ में ऐसे इतनी है कि बाबा ने देख लिया वहाँ पर 28 लड़की गुल हो चुकी है, अब तक नहीं मिल पाई। वहाँ पर जाती हैं लड़की और वहाँ पर फरार हो जाती है। क्या बाबा बागेश्वर ये काम कर रहे हैं? लोगों का घर उजाड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं बाबा बागेश्वर, लोगों का घर उजाड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, आपके द्वारा दी गई खबर को हम यकीन करते हैं। क्या आप झूठ बोलते हैं ये बताइए? मीडिया झूठ बोलती है, मीडिया झूठ बोलती है, तो अभी क्यों चलाते हैं आप? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खत्म कर दीजिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खत्म कर दीजिए। बोलिए, कोई अर्जी नहीं है, सब फर्जी है, फर्जी फर्जी। बाबा बागेश्वर बिल्कुल फर्जी है। देखिए सुनिए सुनिए, देखिए सुनिए सुनिए, सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, आखी जो आखी वो होती है, आखी कुछ चंद दिनों के लिए उभरने की होती है, फिर वो राख की तरह खत्म हो जाती है। ऐसे ही जैसे आसाराम, राम रहीम, योगी राज जैसे अन्य नेता है, ये अन्य बाबा सुनिए, अन्य बाबा ये आए, ये कुछ दिनों के लिए उभरते हैं, फिर इनका पता चलता है बलात्कार बाबा हो। ये बताओ ये करप्शन करते हैं, इन सुनिए, इन पर कई करोड़ रुपए कहाँ से आए? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप बाबा हैं तो आपके पास तो धन के लिए वो समस्या होनी चाहिए, आपको सिर्फ अपना पेट पालन के लिए करना चाहिए। आप इतने बड़े बड़े, आप इतने बड़े बड़े जहाजों में कैसे घूम रहे हैं? आप वो कहाँ बदल रहे हैं? कुछ नहीं बदल रहे हैं। सुनिए सुनिए, कुछ नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता को बदलाया जा रहा है, नहीं बदला जा रहा है। कौन कह रहा है? कहाँ पर? ये देख लिए, बदल रहा है देश, बदल रहा है। ये बैंड पीड़ित बैठी है, ये लोग पीड़ित बैठ, ये सही कह रहे हो कि देश बदल रहा है, लोग जोड़ो जाना करप्शन हो रहे हैं, लोग यहाँ पीड़ित हो रहे हैं। बोलिए बोलिए, कहाँ पर बन रहा है? कहाँ पर, कहाँ पर बन रहा है? कौन सा हिंदू राष्ट्र? किस से बताइए, कौन हिंदू राष्ट्र? हमारे कोई तकलीफ नहीं है। ये देश सुनिए, ये देश सभी जाति धर्मों का है, इस देश में सभी लोग जन्म आए, इस पर सभी लोग अपने कुर्बान दे सके। सुनिए सुनिए मैडम सुनिए, एक मिनट सुनो तो, एक मिनट सुनिए, ये देश सभी जाति धर्मों का है, सभी लोग इसका मान सम्मान करते हैं, और आप कहते हो हिंदू राष्ट्र, हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं हिंदू राष्ट्र, पर अगर आप हिंदू राष्ट्र चाहते हो, इन लोगों को समस्या का समाधान कर दीजिए। कहाँ पर बरस में संकल्प तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाए? नहीं 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 बैठे अपनी मर्जी, सुनिए एक मिनट सुनिए बहन, मेरी बात सुनिए, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर बैठ सकते हो, जब तक आपको दर्द नहीं होगा, पेट में दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। डॉक्टर के पास आप तभी जाओगे जब आपकी कोई समस्या होगी। ऐसे इन लोगों की समस्या है, ये धंधा देकर बैठे हैं, ये ऐसे नहीं बैठे मैडम, मैं बताना चाहता हूँ। बागेश्वर धाम बाबा बोलते हैं कि जो कोई उनके चरणों में जाता है तो वो सफल है जाता है। अरे ये जो बैठी बैठी है ना, इनका हल कर दो, ठीक है? और अरे वो प्रवचन वो बिहार में चले गए, बिहार में, और बिहार में, अरे सुनो, अरे सुन तो लो, चुप, हिंदू राष्ट्र से पेट भरेगा हमारा, हमारे को क्या चाहिए पेट भरने के लिए? रोज रोजगार चाहिए, देश में डेवलपमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, हिंदू राष्ट्र से पेट नहीं भरेगा, समझे आप? ये तो जिन जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं देश सुरक्षित है, सुनिए देश सुरक्षित है, अरे ये बताओ कि बेटी कौन बैठी है, बताओ ना, और इतने बागेश्वर धाम आ गए बिहार में, और बिहार में कौन बता रहे? पागल पागल बता रहे हैं वो।